इंडियन हिस्ट्री बाबा साहब ने जो परिभाषा दी है, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, किसी ने इतिहास को परिभाषित किया है कि राजा महाराजाओं की लड़ाई थी और देश को कब्जाने के लिए युद्ध हुए। किसी ने इसको परिभाषित किया है कि ये इट इज़ द वार बिटवीन इकोनॉमिक फोर्सेज। मार्क्स ने इसको परिभाषित किया है। मैं बाबा साहब की परिभाषा आपको बताता हूँ। बाबा साहब ने भी हिस्ट्री को परिभाषित किया है। बाबा साहब ने कहा है कि इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग एक्सेप्ट वार बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। हेलो, भारतीय इतिहास कुछ नहीं है, केवल इनिस्ट्री, केवल ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म में संघर्ष। ये आज के उसमें हम युग में देख रहे हैं। आज ब्राह्मणवाद की सेनाएं और बुद्धिज्म की सेनाएं आमने सामने हैं। ब्राह्मणवाद की सेनाएं सत्ता तक पहुंच चुकी हैं, उनके सामने बुद्धिज्म की सेनाएं डटकर खड़ी हुई हैं। वह आप लोग सब सैनिक हैं। साथियों, उनको भीमा कोरेगांव की याद दिला दो कि हम कितने संघर्ष में हैं। ये इतिहास की सच्चाई है। अगर इतिहास पढ़ोगे तो ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म में पूरा संघर्ष। दूसरी बात मैं लाइन में कहना नहीं चाहता था, एक और कहता हूँ। आर्टिकल 25 टू संविधान, ये गलत व्याख्या की जा रही है कि हिंदुइज्म में बुद्धिज्म भी आता है। केवल आर्टिकल 25-2 में जो ये कहता है कि हिंदुओं के टेंपल, धर्मशालाएं हिंदू के जितने भी वर्ग हैं उनके लिए खोल दिए जाएंगे, केवल स्पेसिफिक आर्टिकल के लिए बाबा साहब ने लिखा था कि वेयर एवर द वर्ड हिंदू कम्स इट इंक्लूड्स बुद्धिस्ट, सिक्स एंड जैन, क्योंकि छुआछूत सिखों में भी थी, जैनों में भी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू जो है बौद्ध धर्म का अंग है या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का अंग है। साथियों, वो जवाब दे दो जब परम पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी संविधान सभा में इतनी बहस सुनने के बाद इतनी तेजस्वी से सबको जवाब देते थे कि सब सतर्क रह जाते थे, विरोधी भी बैठ जाते थे और उनकी बात संविधान सभा में मान ली जाती थी। इसकी आजकल इंटेलेक्चुअल लड़ाई है। यही बात मैं कह के भीमा कोरेगांव की याद दिला दो, सेनाएं आमने सामने। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।